Welcome back to Gaya Guidance Program. Very good morning to all of you. This is Shabab Khan. I'm your teacher, friend and guide. We were studying tense. Under tense, in previous session, we learnt four kinds of tenses. Simple present tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous. These are the four major classifications. In present indefinite tense, we generally learnt what action repeatedly or regularly happen, that we call simple present tense. As you know, structure of this tense: subject, V1, V5 plus object. You know well how to convert into negative and questions. As far as continuous tense is concerned, it shows continuous activity. The structure of this tense is: subject is I am, a, V4 plus object. In the same way, I also taught all of you present perfect tense. It means action has completed now. As you know, the structure of this tense is: subject, has, have, V3 plus object. Last one is present perfect continuous. The structure of this tense is: subject, has, have been, V4, object, since, for, time. And this tense means action started long time ago and it is still going on. So I have covered in my session 4 and hope all of you have practiced. So today, what is my agenda of teaching? What I am going to cover? I am going to teach all of you today past tense. It is also most important as present tense was. So I will cover past indefinite, past continuous, past perfect continuous. In today's session, I'll cover. Please have a look on see here. Action started and completed in the past. She read the book last Sunday. उसने एक्शन क्या किया? किताब पढ़ना पिछला संडे को शुरू किया और फिनिश कब की? She read the book last Sunday. उसने पिछले संडे स्टार्ट किया था और पढ़ना खत्म कर दिया. तो जो एक्शन बहुत पहले शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया, उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं. और हम लोगों ने सीखा है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड, कि टेंस जो हमारा होता है वो वर्ब के पांचों रूप जो हम लोगों के पास है उसका सही इस्तेमाल कैसे करें. तो इस टेंस में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वर्ब के दूसरा रूप को लगाते हैं. ये इंडिकेटर है, ये साइन है, ये सिग्नल है जिसे आप समझते हैं. जैसे कि वर्ब का पहला रूप गो, इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट. वर्ब का पहला रूप कम, इसका सेकंड फॉर्म होगा केम. वर्ब का पहला फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म होगा रोट. तो ये इंडिकेटर है जो आप जानते हैं. ये सारा इसे आपको इसका हम लोग यूज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में. एक्शन पहले शुरू हुआ था लेकिन फिनिश अभी हुआ है ना, जिसे पास्ट एक्शन कहते हैं हम लोग. अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको वर्ब का, V1 का और V2 का. फॉरगेट, फॉरगॉट. हियर, हर्ड. प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड. मूव, मूव्ड. लाइक, लाइक्ड. दिस टेंस शोज एक्शन फिनिश्ड, एक्शन कॉम्प्लीटेड, but it has no relevance with the present. And you know well, a sentence can be converted into three parts: positive, negative and questions. See here, all of you know meaning of play. It means khelna. Iska V2 kya hota hai? Iska V2 hota hai played. To verb ke jo hamare teen persons hote hain, three persons, first person, second person aur third person hote hain, aap jante hain. जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये सारे पर्संस हैं, सभी के साथ वर्ब के दूसरे रूप लगेंगे. आप देख रहे हैं स्लाइड में आई के साथ प्लेड. आई प्लेड का मतलब मैं खेला था या खेला.
यू प्लेड, तुमने खेला, ही प्लेड, उसने खेला था, शी प्लेड। इसी तरह से हम लोग वर्ब के सभी पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं एज अ रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देन वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी टू। जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो ये ध्यान की बात ये रहती, यहां ऑफन स्टूडेंट्स ऑफन कमिट मिस्टेक वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट एग्जैक्टली दे डू इन नेगेटिव सेंटेंस, वी जनरली यूज वी वन। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। ये दिस इज ए रिमार्केबल पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू बी नोटेड एंड यू मस्ट रिमेंबर इन योर माइंड दैट पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप लगेगा जबकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां हम लोग वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। आप देखिए, आई प्लेड, आई डिंट प्ले, मैंने नहीं खेला। डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला। यू प्लेड, इसका नेगेटिव होगा, यू डिंट प्ले। क्वेश्चन हो जाएगा डिड आई प्ले। इन द सेम वे वी प्लेड, वी डिंट प्ले, डिड वी प्ले, ही प्लेड, उसने खेला था, ही डिंट प्ले, ही डिड ही प्ले। इस तरह से हम लोग पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग समझे। जैसे कि आई कैन गिव मोर एग्जाम्पल हियर, हम लोग जानते हैं वर्ब का पहला रूप, अब वर्ब का दूसरा रूप। इस टेंस में जो वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे हम लोग, जैसे टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, वर्ब का पहला रूप है। और आप ये भी जानते हैं कि वर्ब वी वन हमेशा प्लुरल होता है, तो वी टू इसका बन जाएगा टॉट। टॉट मींस पढ़ाया या पढ़ाया था। कैच का वी टू क्या हो जाएगा, कॉट। कैच मींस पकड़ना, कॉट मींस पकड़ा था, राइट। फॉरगेट, फॉरगेट मींस भूलना, इसका वी टू हो जाएगा फॉरगॉट, मींस भूल गया था, आई फॉरगॉट इट। रिमेंबर का मीनिंग क्या होता है, रिमेंबर मींस याद करना, इसका वी टू क्या हो जाएगा, रिमेंबर्ड, याद किया था, रिमेंबर्ड। इसी तरह से आस्क, आस्क का वी टू हो जाएगा आस्क्ड। तो आप देख लिए वर्ब का पहला रूप और वर्ब का दूसरा रूप। इसी को, इसी वर्ब के रूप को हम लोग अपने सेंटेंस में यूज करेंगे और सीखेंगे कि वी टू का हम लोग कैसे इस्तेमाल करें, साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग सही ढंग से कैसे प्रयोग करें। बीती हुई घटना, बीता हुआ इंसिडेंट्स, बीती हुई जो पास्ट की चीजें होती हैं, इस टेंस के जरिए हम लोग उसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आई अंडरस्टूड इसका मतलब होता है मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, आई अंडरस्टूड योर मैसेज, आई अंडरस्टूड लेसन। हम लोग आई अंडरस्टूड, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। जब इसे हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव का मतलब जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, जिस जुमला में नो और नॉट रहता है, साथ ही साथ नेगेटिव मीनिंग देता है, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप इसमें ध्यान रखिए, आई अंडरस्टूड हो तो इसका वी आई डिड नॉट लगेगा, अंडरस्टूड का वी टू है, इसको हम लोग वी वन में चेंज करेंगे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हो जाएगा, मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस लेसन। अब बोलिए पास इंडेफिनिट टेंस, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड पास इंडेफिनिट टेंस। आप बोलिए कि मैं पास इंडेफिनिट टेंस नहीं समझा, तो सिंपली यू कैन से आई डिड नॉट अंडरस्टैंड पास इंडेफिनिट टेंस।
अब बोलिए कि वी रोट, हम लोगों ने लिखा। क्या लिखा भाई? आप इसमें बहुत चीज लिख सकते हैं। वी रोट एन एप्लीकेशन, वी रोट ए स्टोरी, वी रोट ए बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी इंसान के लाइफ के बारे में, दूसरा कोई जो लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। जो इंसान खुद अपने बारे में, जिंदगी के बारे में लिखे उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सेल्फ रिटन, आई रोट ऑटोबायोग्राफी। तो ये वी रोट का, इसका हम लोग चेंज करेंगे नेगेटिव में तो हो जाएगा वी डिड नॉट राइट। सेम, ही स्पोक, उसने बोला, उसने अंग्रेजी बोल, उसने ही स्पोक इन इंग्लिश, ही स्पोक इन फ्रेंच, ही स्पोक इन उर्दू। स्पीक मतलब बोलना। अब बोल, उसने अंग्रेजी में नहीं बोला तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे ही डिड नॉट स्पीक। ये सारे पर्सन हमारे आई वी, ही का इस्तेमाल मर्द के लिए आप जानते हैं, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है। शी केम, वह आई, वह लेट आई, शी केम लेट। आप दूसरी बात, एक चीज और मैं क्लास के दरमियान आपको समझा दूं कि ये जो टेंस आप पढ़ रहे हैं ये इसका डबल फंक्शन है। इसे आप अपने ग्रामर लेसन में ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ ट्रांसलेशन जब आपके एग्जाम में, इंटरमीडिएट एग्जाम में आता है तो आप उसे भी करेक्ट करेंगे। इसीलिए इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। शी केम नेगेटिव, शी डिड नॉट कम। दे मींस वे लोग, वे लोग, दे डिड, उन लोगों ने ऐसे किया, नेगेटिव हो जाएगा। दे डिड नॉट डू इट, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसी को हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा इसका? डिड पहले लग जाएगा, डिड आई अंडरस्टैंड, इन स्पोकन इंग्लिश वी डू नॉट यूज क्वेश्चन मार्क, बट व्हेन वी राइट इंग्लिश वी मस्ट यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। मेनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज अबाउट इट। इन द सेम वे कन्वर्ट, डिड वी राइट क्वेश्चन मार्क, डिड ही स्पीक, डिड शी स्पीक, डिड दे डू इट। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था। मैं नहीं समझा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। क्या मैं समझ, क्या आप समझे? डिड आई अंडरस्टैंड, तो आप समझ गए पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। तो इसमें मैंने जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, जो प्रयोग किया है, सब्जेक्ट आप जानते हैं हर वाक्य में लगता है, सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। जब इसे क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो डिड सबसे पहले आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम में ऐसा भी आता है कभी कभी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में बदलें। अब बोल, जैसे मैं आई राइट एन एप्लीकेशन, तो इसका पास्ट हो जाएगा आई रोट एन एप्लीकेशन। यू कम लेट, इसका पास्ट हो जाएगा यू केम लेट। आई रीड दिस बुक, इसका पास्ट हो जाएगा आई रेड दिस बुक। आई ऑलवेज रिमेंबर इट, इसका पास्ट हो जाएगा आई ऑलवेज रिमेंबर इट। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है प्रैक्टिस। आप जितना इस टेंस को, स्ट्रक्चर को यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको महारत होगी। तो आपने सीखा पास इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम लोग सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव
और क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है। मैंने बताया था पिछले सेशन में कि टुडे का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता है, यस्टरडे का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है, टुमारो का इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में होता है। जब तीन वर्ड देखें तो आप टेंस को पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब यूज करो आप, यस्टरडे मींस बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन। अब मैं कल गया गया था तो इसको पास्ट बोलेंगे, आई वेंट टू गया यस्टरडे। कल मैं अपने प्रिंसिपल से मिला था तो आई मेट माई प्रिंसिपल यस्टरडे। आप समझ गए होंगे यस्टरडे का इस्तेमाल कैसे होता है। यस्टरडे मींस बीता हुआ कल। मैंने कल आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो आई टॉट यू दिस चैप्टर यस्टरडे। इसी तरह से लास्ट नाइट, इसका इस्तेमाल डेफिनेटली पास इंडेफिनिट टेंस में होता है। लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एगो बहुत पहले, ए मंथ एगो, ए मंथ एगो मैंने यह कोर्स किया था, आई डिड दिस कोर्स अ मंथ एगो। तो जब भी आप ये सारे वर्ड देखें तो आप समझ लें कि ये हमारा पास इंडेफिनिट टेंस है। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था उसी तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब आप समझे थे कि कोई काम जारी है, चल रहा है, हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये काम अब हमारा बीता हुआ काम। जैसे मैंने सिखाया था, आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। अब हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं पास्ट, काम कब शुरू हुआ था, 11 बजे शुरू हुआ था कोई काम। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश स्टार्टेड एट 11 AM, मैं अंग्रेजी कल 11 बजे पढ़ा रहा था, जो काम पहले हो रहा था। आप लोग इसे बोर्ड पर देख लें ताकि आपका कंसेप्शन समझ में आ जाए। इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं इस टेंस को समझने के लिए। जिस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े थे उसी तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सिर्फ वर्ब का वर्ब को चेंज करना, मुझे कुछ नहीं यूज करना है। इज, एम, आर, ये तीन हमारे ऑक्सिलरी वर्ब थे जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये यूज कर रहे थे। अब इसकी जगह पर इज, एम, आर जो हमारा प्रेजेंट शो करता है, इसी तरह से अब हम लोग वाज और वा को यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ वाज अवा का प्रयोग होता है और बाकी सारे पैटर्न, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आ प्लस बीफोर, इज एम आर के जगह रिप्लेस करके आप लगा देंगे, वहां सिर्फ वाज वा लगा देंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, अंग्रेजी का जो रीढ़ होता है वो प्रोनंसिएशन होता है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए जब आप कोई वर्ड पढ़ो तो उसका मीनिंग देखें, साथ ही साथ उस वर्ड का सही उच्चारण क्या होता है, सही प्रोनंसिएशन क्या होता है, ये जानना जरूरी होता है। जैसे डब्ल्यू ए एस वाज होता है, वाज इसे पढ़ते हैं, जिसका मतलब था, थे, थी, जो हिंदी में होता है बीता हुआ। और डब्ल्यू ई आर ई इसे हम लोग बोलते हैं वा। बहुत से लोग बोलते हैं वेयर, दे डोंट प्रोनाउंस करेक्टली। जब आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप बड़े बच्चे हैं, इसलिए आपको सही प्रोनाउंस सीखना है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वा, वा, राइट। तो ये हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ आप जानते हैं ये भी कि V1 को V4 में कैसे चेंज करते हैं।
मैंने सिखाया है पिछले सेशन में जब कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था, गो का पास्ट कंटिन्यूअस गोइंग, कम का पास्ट कंटिन्यूअस कमिंग, राइट का पास्ट कंटिन्यूअस राइटिंग, लर्न का पास्ट कंटिन्यूअस लर्निंग, हेल्प का हेल्पिंग, इस ढंग से हम लोग जानते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको पास्ट में बदल देना है, कोई काम पहले चल रहा था। हम लोगों का तीन फॉर्म होता है जनरली, पॉजिटिव फॉर्म जो आप जानते हैं, नेगेटिव फॉर्म नकारात्मक, और फाइनली क्वेश्चन फॉर्म हमारा होता है। ये तीन फॉर्म होते हैं। आप ये भी जानते हैं आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम लोग होते हैं, यू का मतलब तुम होता है, दे का मतलब वे लोग होते हैं, ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब वह होता है, इट का मतलब यह होता है, और किसी एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं राम। ये पर्सन है, ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं। अब आपको यह जानना है कि मुझे सही वाज कहां लगाना है और वा कहां लगाना है। आप ये भी जानते हैं कि वाज हमारा सिंगुलर होता है और वा जो होता है प्लुरल होता है। तो आई के साथ वी यूज आई वाज, वी के साथ क्या लगाते हैं वी वा, यू के साथ क्या लगाते हैं यू वा, प्लुरल है, दे के साथ दे वा, ही के साथ ही वाज, सी के साथ शी वाज, इट के साथ इट वाज, राम के साथ। अब मैं एक वर्ब लेता हूं एग्जाम्पल। आप सभी बच्चे जानते हैं कि गो का मतलब जाना होता है, और जब गो में आई एन जी लगाते हैं तो बन जाता है वर्ब का चौथा रूप, वो हो जाता है गोइंग, राइट। अब बोलिए मैं जा रहा था तो क्या बोलेंगे, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, बोध गया जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू बोध गया, हम लोग जा रहे थे तो क्या बोलिएगा आप लोग, वी फॉर गोइंग, सिंपली वी फॉर लगा दीजिए सब में वी फॉर, यू वर गोइंग, दे वर गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, इट वॉज गोइंग, राम वॉज गोइंग। सिर्फ हमने क्या किया है, जो पहला जो टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर को हटाकर हमने सिर्फ वॉज व लगा दिया है, और मैंने कुछ रिप्लेस नहीं किया है। अगर आप सही से सीखे होंगे तो आसानी से समझ लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें मुझे चेंज करने में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इसमें हम नॉट लगाएंगे, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। क्वेश्चन जब बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा वाज होता है, ये पहले आ जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाते हैं, वाज आई गोइंग, वी वर गोइंग, वी वर नॉट गोइंग, हम लोग नहीं जा रहे थे। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वा वी गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, यू वर नॉट गोइंग। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वा यू गोइंग। इस तरह से सारे सब्जेक्ट के साथ आप नेगेटिव और क्वेश्चन में आसानी से चेंज कर लेंगे और आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम सीख लें कि हमारा स्ट्रक्चर क्या आया। तो हम लोग हमेशा बताते हैं, आप लोगों को पढ़ाया है कि एक सेंटेंस के तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमेशा कॉमन स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा सब्जेक्ट पहले होगा, वाज या वा में से पहले लगाया है मैंने, दो में से कोई एक लगेगा, वर्ब का चौथा रूप लगेगा और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसी ढंग से स्ट्रक्चर इसका आ जाएगा, सब्जेक्ट वाज वा नॉट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वा सब्जेक्ट
प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से पास्ट कंटिन्यूअस बदल सकते हैं। अब बोलिए वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। इसका पास्ट बदलना है, इट वॉज रेनिंग। बोलिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और इसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। आप बोलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसका पास्ट हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। और इसका जैसा हमारा स्लाइड में दिया हुआ है, पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म, आप आसानी से। मैंने यहां आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ, यू के साथ, वी के साथ वॉ लगेगा, वॉकिंग और वॉचिंग। वर्क मतलब कर रहा है, वॉच मतलब दिख रहा है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप पर अंग्रेजी में फ्लुएंसी आएगी और महारत आएगी। यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश ओवरनाइट, इट कम्स बाय योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड प्रैक्टिस। द पास्ट कंटिन्यूअस डिस्क्राइब एक्शन इवेंट्स इन टाइम बिफोर नाउ विच बिगैन इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। दिस एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट स्टिल गोइंग ऑन, दैट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं समझता हूं कि ये टेंस भी आप समझ चुके हो अच्छे ढंग से, इसके स्ट्रक्चर्स भी हैं। अब जो अगला मैं टेंस पढ़ूंगा वो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। देयर इज ए माइनर डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। आप देखिए यहां 4:15 टाइम दिखला रहा है और 4 बजे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम तुरंत हुआ, इमिडिएटली हुआ, और उसका कुछ ना कुछ प्रेजेंट से रिश्ता बना हुआ है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस भी दिखा रहा है हमारा, पास्ट मतलब एकदम बीत गया, खत्म हो गया, उससे प्रेजेंट से कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई घटना घटी लेकिन अभी उसका कुछ उसका इंपॉर्टेंस है। जो द फिल्म हैड स्टार्टेड, यहां भी देख रहे हैं आप पास्ट परफेक्ट सिंपल में, 8:45 और 8:30, 8:30, 8:45 जो होगा हमारा वो पास्ट परफेक्ट होगा और 8:30 जो होगा ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। घटना जो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको सिखाया था कि इस टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट जनरली मींस एक्शन हैज जस्ट फिनिश्ड नाउ। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मतलब होता है एक्शन कुछ देर पहले समाप्त हो गया था। जैसे कि हम लोग हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते थे, इस टेंस में हम लोग सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे। हैज और हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमारा प्रेजेंट को बताता है, जबकि हैड जो हमारा है वो पास्ट को शो करता है। आप देखें इसमें वर्ब का हम लोग तीसरा रूप लगाते हैं, कोई चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग वर्ब का तीसरा रूप लगा रहे थे, इसमें भी जैसे कि आप गो का V3 गोन, कम का V3 कम, टेक का V3 टेकन, गिव का V3 गिवन, ये सारे लगते हैं। और आप सभी बच्चे जानते हैं पर्सन का हम लोगों को प्रयोग हमेशा करना है, आई, वी, यू, दे, ही,
शी इट। सभी के साथ आप लोग आंख बंद करके, पास्ट की बात हो रही है, हेड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सभी के साथ हेड लगेंगे। सभी के साथ वर्ब के तीसरा रूप लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप। राइट का तीसरा रूप क्या होता है? रिटन होता है, रिटन। अब बोलो, आप लोग प्रैक्टिस करो। आई हैड रिटन, वी हैड रिटन, यू हैड रिटन, दे हैड रिटन, ही हैड रिटन। ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म। नेगेटिव लगाने में कोई हम लोग को परेशानी नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सेम रहेगा ये, इसके साथ मुझे नॉट लगा देना है। आई, वी, यू, ही, शी, इट सब कॉमन रहेगा, सभी के साथ कॉमन हेड रहेगा, और नॉट लगाएंगे प्लस वी थ्री लगा देंगे। आई हैड नॉट रिटन, वी हैड नॉट रिटन, यू हैड नॉट रिटन। तो ये आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से अब हम लोग हैड को पहले लगाते हैं। हैड का यूज हम लोग सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या क्वेश्चन सेंटेंस में हैड का प्रयोग पहले करते हैं। हैड पहले हो जाएगा और जितने सारे हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जो भी है, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं आप लोग। हम लोग तीसरा रूप लगाया था रिटन, ये रिटन। अब इसे हम लोग देख लें, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था। हैड आई प्लेड, हैड आई प्लेड, हेयर इज एरर, प्ले इट इज प्लेड। यस, वेरी गुड, लुक हियर। अब वह मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, हम लोग जा चुके थे, वी हैड गॉन, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन, दे हैड गॉन, ही, शी, इट के सभी के साथ हैड लगते हैं, वर्ब के तीसरे रूप लगते हैं। तो जिस तरह से आप लोग प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस समझ चुके हैं। अब हम लोग, इसका हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप, नेगेटिव है, ये क्वेश्चन है, पास्ट परफेक्ट टेंस इसका यूसेज है। पास्ट टेंस को आप कब यूज करोगे? यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ पास्ट इवेंट। माय मॉम हैड कुक डिनर अर्लियर इन द डे। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ सी, हम लोग अब जानेंगे लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा था, उसे उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे, क्योंकि हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे थे, फॉर और सिंस। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर टू ईयर्स, फॉर थ्री मंथ्स, फॉर का इस्तेमाल होगा, किसी दिन फिक्स सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, वहां हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखें आप लोग यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 7 AM एंड 10 AM। हमु स्टार्टेड राइटिंग एंड राम अराइव्ड। हमु हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन राम अराइव्ड। मतलब कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा था। तो यह टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज अ कंटेंट समवेयर इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अनदर इन द पास्ट एक्शंस। कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ था लेकिन अब तक चल रहा है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस तरह से हम लोग
सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का वी फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम लगा रहे थे, सिर्फ हैज हैव को हटाएंगे और उसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे, हैड बिन लगा देंगे, हम लोग हैड बिन लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ज्यादा आई पर्सन हमारा है, आई का मतलब मैं, वी पर्सन है, वी मतलब हम लोग, यू मतलब आप, दे मींस वे लोग, ही मींस वह, शी इट। अब सभी के साथ लगे कॉमन, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, काम करने वाले हैं, डूअर हैं, इसका प्रयोग हमेशा करते हैं हम लोग। हैड बिन, आई हैड बिन प्लेइंग, अब क्या फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लगा दीजिए क्रिकेट, सुबह से सिंस मॉर्निंग, ये हमारा पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और इसमें सिर्फ हम लोग, ये हमारा पॉजिटिव है, दिस इज ए माई पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हम लोग का ड्राइव हुआ, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद हैड, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फॉर, टाइम। नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है, नेगेटिव बनाने में आपको किसी ढंग की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसमें नोट लगाते हैं, जैसे कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव बनाना है आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिर्फ नोट लगा देंगे। क्वेश्चन बनाने में इसे हम लोग हैड को पहले लाते हैं, हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यह काम कर रहा था, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, आप इसे स्लाइड पर भी देख सकते हैं आप सभी लोग, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्वेश्चन है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव मीनिंग, नेगेटिव मींस नेगेटिव मीनिंग, क्वेश्चन मींस सवाल का पूछना, आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। आप ये स्लाइड लगी रहेगी, आप इसे देख सकते हैं यूट्यूब के हमारे, इसमें पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म, ये तीनों का प्रयोग है, ये हमारा स्ट्रक्चर भी है और इसके यूज भी हैं। और एक चीज और मैं लास्ट में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें टाइम मेंशन नहीं रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम लगा रहता है, चाहे ड्यूरेशन लगा रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा या पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, ये बेसिक डिफरेंस है। जो आज का हमारा लेसन था पास्ट टेंस का, चार फॉर्म जो हम लोगों का होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप देख ले, सिंपल पास्ट, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट आपने सीख लिया आज, इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाज वा वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने आज सिखाया आप लोगों को, आखिर में पास्ट परफेक्ट टेंस भी, जिसे सब्जेक्ट हैड वी थ्री, और सबसे आखिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा सब्जेक्ट हैड बीन वी फोर ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम। अब जैसे मैंने एक आम खाया, आई एट एन एप्पल, मैं एक आम खा रहा था, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक आम खा चुका था, आई हैड ईटन एप्पल, अब मैं एक घंटे से एक आम खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर एन आवर। तो इस तरह से आप सभी बच्चे चार प्रेजेंट टेंस के फॉर्म सीखें,
चार पास्ट के फॉर्म सीखे, अगले लेसन जो हमारा होगा वो फ्यूचर होगा, उसमें फिनिश करेंगे। इस तरह से हमारा जो 12 अंग्रेजी में टेंस होते हैं, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार, कुल 12 होते हैं। आप कंप्लीट किया कराया जाएगा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसमें इसके लिए मैंने एक्सरसाइज सेट भी बनाया है जो आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा, आप इसे अभ्यास करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, और हमेशा मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, रिपीटेशन इज की टू लर्निंग। द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश, द मोर यू गेन प्रोफिशिएंसी इन इट। सो प्लीज प्रैक्टिस इट एंड गेन मास्टरी इन टेंस। अगर इस लेसन को पढ़ने में आपको किसी तरह की परेशानी होगी, किसी तरह डाउट होंगे, किसी तरह क्वेश्चन होगा माइंड में, कुछ भी आइडिया जनरेट होगा, आप हमारे YouTube के गया गाइडेंस में लिंक कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ अपना क्वेश्चन कमेंट करेंगे और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा वहाँ। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, गया गाइडेंस प्रोग्राम लाइक करेंगे, और ये अधिक से अधिक बच्चों में इस प्रोग्राम के जरिए फ़ायदा पहुँचे, ताकि उनका एक बेहतर भविष्य बन सके। इसी के साथ जो आज का हमारा पास्ट टेंस था, इसको मैं इसी के साथ फिनिश करता हूं, और ये सारे एक्सरसाइज हैं जो आप इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, गुड बाय एवरीवन।